गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल घोटाले को लेकर पीएम पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा, अगर प्रधानमंत्री के पास रफाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कोई जवाब नहीं है तो वो इस्तीफा दे दें। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें कहीं, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज रफाल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है कि रफाल डील में कहां घोटाला हुआ है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले कल फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डसोल्ट कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया पहली बार कि उनके पास रिलायंस के अलावा भारत सरकार ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं था। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछती आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर क्यों किया गया और रफाल जहाज की कीमत जो कि यूपी के समय में 526 करोड़ थी वो बढ़ाकर 1670 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट क्यों कर दी गई। दरअसल राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ्रांस गई हैं और वो कहीं ना कहीं डसोल्ट कंपनी पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने बयान को पलट दें। सेगेलन टोल्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स इट वाज इंपेरेटिव एंड ऑब्लिगेटरी फॉर डसोल्ट एविएशन टू एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द राफेल इंडिया एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल क्लियर कट राफेल के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया है और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज एक बार फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की राफेल डील के ऊपर मांग की जिसके ऊपर अभी तक सरकार ने कुछ भी कहने से इनकार यानी चुप्पी बनाई हुई है कि जेपीसी इसके ऊपर बने या ना बने। फिलहाल पहली बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा रफाल डील के इशू पर मांगा है। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।